भी इस पर पूरी ले लाइंस ली। हेलो फोक्स, वेलकम टू वोगेट्स इंडिया। मेरा नाम है कोमल एंड अ वेरी वार्म नमस्ते टू एवरीवन ऑफ यू। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे। एंड या तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लोविया का अंडर फैशन हॉल। काफी ज्यादा ट्रेंड में है क्लोविया इस टाइम पे, और मैंने सोचा कि ना मैं भी वहाँ से थोड़ी बहुत चीजें शॉप करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो काफी कुछ मैंने बहुत इंटरेस्टिंग सा परचेज किया है वहाँ से, तो मैं आपके साथ आगे जाके शेयर करूंगी। तो यह वीडियो पूरी देखने के बाद अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन होगा, उसे क्लिक कर देना, बेल बटन को हिट कर देना, जिससे आपको मेरी वीडियो के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और कमेंट कर सकते हो आप मुझे वीडियो के नीचे। एंड यह वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, और बस इतना ही करना, इससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो या लेट्स गेट स्टार्टेड। क्लोविया के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। क्लोविया है एक इमर्जिंग ऐप और साइट यू कैन से, जो कि डील करते हैं अंडर फैशन यानी अंडर क्लोदिंग में, लाइक नाइट सूट, लॉन्जरी और जो भी वुमेन से रिलेटेड अंडर फैशन है उन सब से वो डील करते हैं। ऑल्सो उनका स्किन केयर भी उनके साइट पर या ऐप पर आपको मिल जाएगा, जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है क्लोविया बोटैनिका, जिसकी मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या स्क्रीन पर मिल जाएगी। और आई होप मैं जल्दी जल्दी ना बोल रही हूँ, तो या मैं ज़्यादा देर नहीं करती हूँ आपके साथ। सबसे पहले तो मैं पार्सल को शेयर कर देती हूँ। तो पार्सल कुछ इस तरह की, कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है, इसको मैं हटा देती हूँ। तो क्लोविया की पैकेजिंग, आई लव क्लोविया की पैकेजिंग बिकॉज नॉर्मल बोरिंग कार्डबोर्ड से अच्छा वो इतना प्यारा सा क्लोविया का पिंक कलर का बॉक्स आता है, जो कि मुझे बहुत पसंद आता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है हेल यस और हैप्पी इज माई सुपर पावर, एंड ये क्लोविया की यहाँ पे ब्रांडिंग। तो क्लोविया का भाई पैकेजिंग इज ऑन पॉइंट और काफी ज्यादा पसंद आता है। तो आप जब क्लोविया के ऐप पे जाएंगे, आपको अलग अलग कैटेगरीज मिलेंगी नाइट सूट्स में, आपकी ब्राज में, और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से असॉर्टेड हैं। उनका जो ऐप है बहुत अच्छी तरह से असॉर्टेड, बहुत ही अच्छी तरह से असॉर्टेड है। आपको जाना चाहिए और वहाँ पे जाके चेक करना चाहिए। मैं बहुत बोलती हूँ। तो गाइज कुछ इस तरह से मेरे पास ये पैकेज आया था। मैं आपको इंडिविजुअली ब्राज की क्लिप स्क्रीन पर डालती जाऊँगी। तो इसके अंदर सारी ब्रांड्स हैं, मैंने कुछ इस तरह से लगा दिया। वैसे ये अच्छे से पॉलिथिन रैप हो गया था, मैंने सारी ही ट्राई एंड टेस्ट कर ली है, ठीक है। मैंने उसी के बाद आपको रिव्यू दिया है। मैं हर रिव्यू को ट्राई एंड टेस्ट देती हूँ और ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ। मुझे लगता है कि ऑनेस्ट चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो आप मुझसे ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हम अपनी ब्रा साइज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो अपनी ब्रा साइज को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो ऑनलाइन परचेज करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी ब्रा साइज कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। आप अपनी ब्रा साइज को क्लोविया ऐप पर जाकर भी पता कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ब्रा साइज मेजर करने का कैलकुलेटर मिल जाएगा, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये किसी भी साइट पर मैंने नहीं देखा है, क्लोविया पर ही देखा है। तो मैं भी आपको बता देती हूँ आप अपना करेक्ट ब्रा मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना बैंड साइज मेजर करना है। बैंड साइज क्या होता है आपको स्क्रीन पर पता चल जाएगा। एंड आपको बस साइज मेजर करना है, ठीक है, दोनों साइज मेजर कर लेने हैं। एंड जो भी आपका नंबर आता है उनको होल नंबर बना लेना है। होल नंबर दैट मीन्स अगर आपका 32 बस साइज आता है तो आप उसमें 4 ऐड कीजिए, वो 36 हो जाएगा। एंड अगर आपका साइज आता है 33 देन उसमें 5 ऐड कीजिए एंड वो 38 हो जाएगा। फिर आपको करना क्या है, आपको अपना कप साइज ढूंढना है। तो कप साइज आप कैसे ढूंढोगे, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने बस साइज में से बैंड साइज को सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है। तो जो भी नंबर आएगा, सपोज अगर 3 आया तो आपका बस जो कप साइज है वो है 3। तो इस तरह से आप अपना साइज का पता लगा सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर सारी कैलकुलेशन बहुत ही अच्छी तरह से समझा दूंगी, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जब भी आप ब्रा परचेज करो आप इस वीडियो को देख सकते हो और अपना करेक्ट साइज ऑर्डर कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है करेक्ट साइज की ब्रा लेना, क्योंकि हम कितनी भी अच्छी ब्रा खरीद ले, पहन ले, अगर उसमें हम अपना करेक्ट साइज नहीं पहनेंगे तो वो
अच्छी नहीं लगेगी, आपका पैसा मेहनत सब वेस्ट हो जाएगा। तो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद द हॉल, काफ़ी ज़्यादा मैं बोल चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको जो ब्रा दिखाऊंगी वो है कुछ इस तरह की। तो सबसे पहली जो ब्रा है वो ये कुछ इस तरह की है। अंदर से आप देख सकते हो कितनी सही वाली इसमें पैडिंग हो रखी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है और काफ़ी सॉफ्ट इसकी पैडिंग है और वॉश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, बस आपको इन्हें सेपरेटली वॉश करना पड़ेगा। आप अपने अंडर क्लोदिंग को कभी भी ब्रश से वॉश मत कीजिएगा एंड मशीन में भी कभी वॉश मत कीजिएगा, इनको मैनुअली अपने हाथों से वॉश कीजिए, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रैप है वो कुछ इस तरह का है, ये कॉटन में है, ठीक है। इसका जो फैब्रिक है वो कॉटन में है, ऑल्सो इट इज़ अंडर वायर्ड ब्रा, तो यहाँ पर इसमें वायर मिल जाता है। तो अंडर वायर्ड ब्रा इसलिए होती है जो आपका जो कप्स होते हैं उनको वो अपलिफ्ट करती है, तो आपका जो बस्ट होता है उसको थोड़ा एनहेंस करती है। तो जो भी आप क्लोदिंग पहनते हो तो काफ़ी एलिगेंट लुक आपका मिलता है, ठीक है। और ये आपके कप्स को सपोर्ट भी देती है। तो ये कुछ इस तरह से इसका बैंड है और टू हुक्स वाला इसका पीछे से हुक सेटअप है। तो इस पे जो इसकी प्राइस लिखी हुई है वो है 1299, बट ये 1299 की नहीं है, मैंने इसे कुछ ऑफर में ख़रीदा था 799 या 899 के ऑफर में, तीन या चार ब्रा थी वो मैं आपको ऑफर स्क्रीन पर लगा दूँगी, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। तो यहाँ पर इसमें कुछ इस तरह से बो का डिज़ाइन भी दिया हुआ है सेंटर में, तो इसकी फिटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्मूथ आती है। बेसिकली इसका टी शर्ट ब्रा, टी शर्ट और टॉप के अंदर इसको पहनोगे काफ़ी अच्छी फिटिंग देगा ये। और सबसे अच्छी बात यह होती है कि ये एकदम यहाँ से एकदम प्लेन है, एकदम क्लीन है, तो जब आप इसके ऊपर शर्ट पहनोगे या टी शर्ट पहनोगे तो कोई भी लाइन्स नहीं दिखेंगी। जो लाइन्स दिखती हैं वो बहुत ऑकवर्ड लगती हैं, तो वो अच्छी नहीं लगती है, तो उसकी वजह से यहाँ पर कोई लाइन्स नहीं दिखेंगी। काफ़ी सीमलेस फिनिश आएगा जब इसे आप पहनोगे और इसकी फिटिंग काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है और ये फुल कप है, आपको फुल कवरेज मिल जाएगा इससे। और इसकी जो स्ट्रैप्स हैं वो डिटैचेबल नहीं है, तो बेज कलर में है ये, इसमें वाइट कलर एंड ब्लैक कलर भी अवेलेबल था, हो सकता है आपको अदर कलर भी इसमें मिल जाए। तो ये हो गई पहली ब्रा। और देन नेक्स्ट जो मेरे हाथ में जो आती जा रही है वो मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। तो इस ब्रा के बारे में आपको एक और चीज़ बता दूँ कि बेज कलर की ब्रा यानी कि लाइट न्यूट कलर की ब्रा आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिसमें थोड़े सी थ्रू होते हैं या फिर लाइट कलर के होते हैं, तो उसके अंदर अगर आप कुछ बेज कलर की ब्रा पहनेंगे तो वो बहुत सीमलेस दिखेगा, आपका जो कलर है अंदर से वो पॉप अप नहीं होगा, ठीक है। तो दिस वॉज द फर्स्ट वन। देन आई हैव दिस ब्यूटिफुल, मुझे इस हॉल में ये ब्रा सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, बाय फिट, बाय लुक एंड बाय कन्वीनियंस, बाय कम्फर्ट, एवरीथिंग इस ब्रा में मुझे सब कुछ मिला है एंड ये तो मैं आपको हाईली हाईली रिकमेंड करूँगी। तो ये है वो ब्रा जिसकी मैं बात कर रही हूँ, आप देख सकते हो देखने में ही कितनी असॉर्टेड लग रही है। और यहाँ पर इसमें क्यूट सा वो डिज़ाइन है, इसका भी कप ये कॉटन में नहीं है, इसका फैब्रिक आई डोंट नो, आपको मैं लिंक दे दूंगी आप वहाँ से देख लेना। तो कुछ इस तरह का इसकी जो पैडिंग बहुत ही सॉफ्ट है, जो हार्ड वाली पैडिंग होती है जो चुभती है या अलग शो होती है वैसी पैडिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा हैवी वाली पैडिंग भी नहीं है, लाइट पैडिंग है इसके अंदर। और इसकी स्ट्रैप्स भी कुछ इस तरह से नॉर्मल स्ट्रैप्स हैं एंड इसके अंदर जो स्ट्रैप्स हैं वो कुछ इस तरह से अलग हो जाती हैं। तो अगर आप कुछ एक्सपोजर वाली ड्रेस पहन रहे हो तो आप इसमें ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप भी लगा सकते हो। तो ये जो ब्रा है आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, मुझे बहुत पसंद आई है। ये भी आपको फुल कवरेज देगी, ब्लैक कलर की ब्रा है, अगेन ब्लैक कलर की ब्रा आपके वार्डरोब में होना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे आउटफिट्स के साथ ब्लैक कलर की ब्रा जाती है। और इसकी ये जो डिटेलिंग है ये है पैसिफिक ब्लू कलर में, यहाँ पर पूरी लेस डिटेलिंग हो रखी है आप देख सकते हो, एंड ऐसा नहीं है कि ये बहुत चीप वाली लेस हो आपको चुभेगी, बिल्कुल नहीं चुभेगी और बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छी लगती है वियर करने के बाद।
कुछ इस तरह से पूरे में मैच लेस डिटेलिंग हो रखी है, तो ये आपके लोअर वाले एरिया पे ये आएगी, थोड़ी थोड़ी ब्रालेट जैसा फील देती है। एंड नॉर्मल हुक है इसमें, जो प्राइस लिखा हुआ है वो है 1199। अगेन ये मैंने 2K या 3K कॉम्बो में ली थी, जो कि काफ़ी अच्छी डील है मार्केट में। आप जाओगे तो ऐसी ब्रा आपको 500, 600, 800 तक में मिलेंगी, जिस तरह की इसकी क्वालिटी है उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो दिस वॉज सेकेंड ब्रा जो कि बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है आप लोगों को। तो जो थर्ड ब्रा है, अगेन उसकी फिटिंग एंड उसका जो डिज़ाइन है वो मुझे बहुत पसंद आया। आई फाउंड इट सो अट्रैक्टिव, सो गुड, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो गाइस बीच में से मैं आपको बता देती हूँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। ये जो मेकअप लुक देख रहे हो ये मैंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया हुआ है, एंड इस मेकअप का ट्यूटोरियल आपको मेरे इंस्टाग्राम पर मिलेगा। तो जाओ वहाँ पर जाके फॉलो करो। वहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये हॉल थोड़ा सा लंबा होने वाला है, और तो आप बहुत इत्मीनान से बैठ के देखना, क्योंकि मैं आपको हर चीज़ के बारे में डिटेल से बताने वाली हूँ, ठीक है। तो गाइस अभी यहाँ पे 3 ब्रा बची हुई है, उससे पहले मैं आपको एक अपडेट दे देती हूँ कि मैं जितनी भी ब्रा यहाँ पर शो कर रही हूँ वो सारी ही आपके वार्डरोब में होना बहुत ज़रूरी है। हम डिफरेंट टाइप की क्लोथिंग पहनते हैं, डिफरेंट टाइप की बैक होती है, डिफरेंट टाइप की स्लीव होती हैं, डिफरेंट टाइप की फिट होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें अलग अलग टाइप की ब्रा पहनना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप सही टाइप की एंड सही साइज की ब्रा पहनेंगे तो आप खुद भी कॉन्फिडेंट फील करेंगे, एंड वो कॉन्फिडेंस आपकी पर्सनैलिटी में दिखता है, ठीक है। तो या अच्छी क्लोथिंग, अच्छा अंडर गार्मेंट्स पहनने से आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है। मार्क माई वर्ड्स, आप ये चीज़ खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो मैं यहाँ से कंटिन्यू करती हूँ। तो नेक्स्ट जो ब्रा है वो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी इसका फिट एंड इसका डिज़ाइन, इसका प्रिंट सबसे ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आपको दिखा देती हूँ, ये भी ब्लैकिश में ही है बट काफ़ी सुंदर है। तो ये है नेक्स्ट ब्रा। तो ये काफ़ी इसका जो फिट है काफ़ी अलग है, मतलब काफ़ी इन्हेंस्ड देता है आपको लुक। और इसकी पैडिंग भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ये कुछ सिल्की टाइप का फैब्रिक है, ठीक है। और यहाँ पर एनिमल प्रिंट, एंड आई लाइक एनिमल प्रिंट सो मच, तो इसलिए मुझे ये लेना ही था। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें यहाँ पर जो ये दिया हुआ है ये मैश काइंड ऑफ मटेरियल है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, बट इसको जब आप पहनते हो तो इसकी वजह से आपका जो साइड वाला एरिया होता है वो बल्क वो छुप भी जाता है, एंड जो मोटा मोटा कपड़ा नॉर्मल ब्राज में दिखता है वो भी नहीं दिखता, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा थिन है। यहाँ पर आपको इस साइड इलास्टिक मिलेगा और यहाँ पर ये नॉर्मल है। इसमें भी आपको सेंटर में क्यूट सा बो मिल जाएगा, और सबसे बेस्ट पार्ट कि इसमें आपको मिल रहा है नूडल स्ट्रैप। नूडल स्ट्रैप कुछ इस तरह से पतली पतली दो स्ट्रैप आपको मिलती हैं। तो अगर आप कुछ वैसी ड्रेस पहन रहे हो जिसमें आपको स्ट्रैप नहीं है, आप स्ट्रैप दिखाना चाहते हो, तो आप नूडल स्ट्रैप वाली ब्रा पहन सकते हो। अगर आप इसमें से कोई एक स्ट्रैप लगाना चाहो तो एक को नीचे गिरा के अपन एक स्ट्रैप भी लगा सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा मल्टी वे में आप इस ब्रा को स्टाइल कर सकते हैं। कुछ लोग जो ब्रा को इस टाइप के ब्रा को एज अ टॉप भी पहन सकते हैं, जो पहनते हैं वो लोग पहन सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रिंट है, काफ़ी अच्छा फिट भी देती है, और काफ़ी अच्छे से हग कर लेती है आपकी बॉडी को। और इसमें फुल कवरेज है, कप को आपकी फुल कवरेज देगी। अगेन 2 hook, एंड इसका जो प्राइस है वो है 1199। अगेन ये ऑफर में ही है और काफ़ी सुंदर लगती है। मैं आपको उल्टी तरफ से भी दिखा देती हूँ कुछ इस तरह से इसकी पैडिंग है। अंडरवायर्ड नहीं है ये, ठीक है, नॉर्मल पैडेड ब्रा है, बट इसका फिट अंडरवायर्ड से भी बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा इसका फिट है, ठीक है। तो गाइस जो नेक्स्ट जो ब्रा मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो देखने में तो है ही सुंदर, बट काम की भी बहुत ज़्यादा है। और अगर आप इसको देख लोगे तो आप खुद लेने को इसका आपको मन कर जाएगा, क्योंकि ये है ही इतनी अच्छी और इतने काम की ब्रा है, आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, एंड काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग ही है ये ब्रा, ठीक है। नेक्स्ट जो ब्रा है इसका कलर बहुत ही यूनिक है, ठीक है, कुछ इस टाइप का कलर है, आई डोंट नो इसको हो क्या गया यहाँ से,
हाँ तो ये मुड़ गया था थोड़ा सा, कुछ इस तरह की है। इसका जो नेक है आप देख सकते हो कुछ इस तरह से डीपर है नेक, तो आप काफी ज्यादा डीप नेक वाले क्लोथिंग अगर आप पहनते हो तो वो आप इसमें आसानी से पहन सकते हो, ठीक है। इसका भी जो क्लोथिंग है वो अगेन यहाँ से मैच काइंड ऑफ है, नीचे से आपको इलास्टिक की फिनिश मिल जाएगी, एक सिल्क वाला कपड़ा है ये, ठीक है। एंड इसकी पैडिंग भी अगेन ऊपर से बिल्कुल क्लीन है। इसका जो फिट है वो बहुत ही ज्यादा अलग है बाकी की जो मैंने ब्रा दिखाई है उन सब में से, और इन सारी ही ब्रा में एक कॉमन चीज है कि आपका जो बैक है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो अगर आप कोई भी बहुत बड़ी बैक का ड्रेस पहनते हैं, ब्लाउज पहनते हैं, कुछ भी पहनते हैं, तो उसमें से आपकी जो ब्रा की स्ट्रैप दिखती है वो वाला आपका सीन कट हो जाएगा, मतलब आपकी ब्रा की स्ट्रैप नहीं दिखेंगी। तो ये वाली जो ब्रा है देखने में तो है ही सुंदर, और इसका जो फिट है वो डेमी कप है। डेमी कप मतलब आपको आपका जो कप होता है उसको हाफ कवरेज देता है, ये फुल कवरेज नहीं देता है, ठीक है। उसका भी एक रीजन है, ये ऐसा क्यों है, क्योंकि ये है मल्टीवे। मल्टीवे मतलब इसका भी जो ये होता है स्ट्रैप निकल जाता है, ठीक है, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो ये बन गया एक क्यूब ब्रा, काफी अच्छा लग रहा है लुक वाइज भी, ठीक है, बट लुक वाइज ही नहीं ये फिट वाइज भी बहुत अच्छा है। ट्यूब ब्रा की फिट होना, फिट अच्छी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्यूब ब्रा हम तब पहनते हैं जब हम कुछ भी ऑफ शोल्डर पहन रहे हैं, हमें स्ट्रैप नहीं दिखानी है, ठीक है, ठीक है। तो उसमें हम बिना स्ट्रैप की ब्रा ढूंढते हैं, ठीक है, बट ऐसी ब्रा प्रॉमिसिंग होना बहुत जरूरी है। फिट अच्छा नहीं हुआ तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे, आप पूरे टाइम ड्रेस में अनकंफर्टेबल होते रहोगे। तो इस वजह से अगर आप इस ब्रा को ऐसे पहनते हैं तो मैं कह सकती हूँ कि ये ब्रा आपकी हिलने वाली नहीं है जगह से, और काफी अच्छे से हग कर लेगी आपकी बॉडी को, और काफी अच्छा फिट भी देगी बिना स्ट्रैप के। आप चाहें तो इसको स्ट्रैप के साथ भी पहन सकते हैं और इसमें स्ट्रैप दूसरा भी लगा सकते हैं, बट स्पेशली ये ट्यूब ब्रा की तरह ज्यादा अच्छा काम करती है, कुछ इस तरह से फिट देगी। और अगेन पीछे से दो हुक हैं, ठीक है, अंदर से कुछ इस तरह की पैडिंग है, और ये हाफ कवरेज देगी, अगेन बहुत ही यूजफुल ब्रा है। नेक्स्ट जो मेरे पास ब्रा है वो बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं वो थोड़ी सी अलग है, और मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया है ऐसा कुछ। काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है ऐसी ब्रा भी आपके वार्डरोब में, ठीक है, और ये आपने काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स को या साइट पर देखी भी होगी ऐसी ब्रा, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है एक कुछ इस तरह से ब्रालेट है ये बेसिकली। तो ब्रालेट क्या होता है, ब्रालेट थोड़ा टॉप काइंड ऑफ क्रॉप टॉप काइंड ऑफ फील दे देती है आपको पहनने के बाद, एंड मेश डिटेलिंग अगेन, ठीक है। तो यहाँ पर इसके नेक लाइन पर मेश वाली डिटेलिंग हो रखी है, अंडर वायर्ड है ये काफी अच्छा सपोर्ट देने के लिए, ठीक है, यहाँ पे इसके कुछ इस तरह से अंडर वायरिंग हो रखी है, ठीक है। स्ट्रैप इसकी कुछ इस तरह से थिन स्ट्रैप है, बहुत सुंदर लगती है, ट्रस्ट मी गाइस, ये पहनने के बाद बहुत सुंदर लगती है। आप चाहे तो इसको डेनिम जैकेट के साथ सिंपली पहन सकते हैं, ठीक है। और ये नीचे से भी इसमें, मैं आपको दिखाती हूँ, नीचे से भी इसमें कुछ इस तरह से मैश की डिटेलिंग हो रखी है, काफी सुंदर फिट देती है। और इसको और अच्छी तरीके से इसका शेप इनहेंस करने के लिए आपको इसमें जो हुक मिल रहे हैं वो 3 हुक मिल रहे हैं, जिससे आपकी पीछे से जो बॉडी है अच्छी तरह से ये हग कर ले। सारी चीजें देखते हुए आप खुद समझ सकते हो कि इसका फिट कितना अच्छा आएगा। यहाँ पे इसके कप पर भी कुछ इस तरह से लेस की बहुत ही प्यारी डिटेल हो रखी है, ब्लैक कलर में है, सॉर्टेड है, ब्लैक कलर बहुत चीजों के साथ जाता है, डेनिम जीन्स के साथ पहन सकते हो, एंड काफी अलग अलग इंटरेस्टिंग वेज में आपको स्टाइल कर सकते हो, एज अ ब्लाउज भी इसको आप पहन सकते हो। ये ब्रालेट मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई, बहुत ज्यादा पसंद आई, एंड इसका जो प्राइस है वो है 1499। मैं आपको बता दूँ 1499 के, एंड आपको मार्केट में भी कुछ इसी तरह की प्राइस में मिलेगी, बट वो भी अभी आपको ये 3 के कॉम्बो में या 2 के कॉम्बो में मिल जाएगी। मेरी पर्सनल फेवरेट है एंड हाईली रिकमेंडेड। मैंने आपको बताया था कि इस हॉल में मैं आपको जो भी ब्राउज दिखाऊंगी वो सारी आपको पसंद आएंगी, एंड सारी इंपॉर्टेंट भी है लेना, ठीक है। तो या
तो नेक्स्ट जो मैंने चीज़ मंगाई थी वो थोड़ी अलग मंगाई थी, एंड मुझे ट्राई करना था कि क्लोविया पे कैसी मिलती है, तो मैंने एक ही मंगाई, ठीक है, एक ही ऑर्डर करी। तो यहाँ पर जो मैंने ऑर्डर करी है वो है एक पैंटी, कुछ इस तरह से है। इसका फिट काफ़ी सही है, आपका जो बेली फैट होता है वो थोड़ा सा कट कर देता है, एंड सीमलेस एकदम फ्लैट फिनिश देने की पूरी कोशिश करता है ये। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके बहुत ज़्यादा फैट है तो ये सारा स्लिम कर देगा, बट हाँ मिनिमल फैट है, जैसे मुझे थोड़ा सा बेली फैट है तो वो थोड़ा सा कट कर देता है, तो स्लिम फिट आता है। और ये जो पैंटी है ये हाई वेस्टेड है, आप देख सकते हो साइड से हाई वेस्टेड पैंटी है। तो हाई वेस्ट आजकल बहुत ज़्यादा इन है, स्कर्ट हो गया, डेनिम हो गया, हाई वेस्ट में हम लोग पहनते ही हैं, तो हाई वेस्टेड पैंटी पहनना भी उसके बहुत ज़रूरी है। कॉटन इसका फैब्रिक है, एंड इसकी इलास्टिक बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल भी चुभने वाली नहीं है। अगेन यहाँ पर क्लोविया की ब्रांडिंग हो रखी है। साइज इसमें मेरा एल है, और 499 इसकी प्राइस है, बट अगेन ये 499 का नहीं है, ये 178 या 175 समथिंग में आपको क्लोविया की साइट पर मिल जाएगी। इससे भी काफ़ी ज़्यादा कलर ऑप्शंस और पैटर्न्स के, डिजाइन के प्रिंट्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं वहाँ पर। मैंने एक ट्राई दिया था, क्योंकि मैंने कभी भी ऑनलाइन नहीं खरीदा है पैंटी, तो मैंने फर्स्ट टाइम खरीदे थे, इसलिए मैंने एक ही खरीदा, एंड मुझे ट्राई करना था क्लोविया का इसका फिट, जो कि बहुत अच्छा है। मैं आगे और भी खरीदूंगी क्योंकि मुझे क्वालिटी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मुझे फ्री मिली है इस हॉल में, वो है एक बहुत ही प्यारा सा टैंक टॉप। आप चाहे तो इसे टी शर्ट शर्ट के अंदर भी पहन सकते हैं, नॉर्मली भी पहन सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इसकी ऐसा नहीं है फ्री में मिला तो क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी स्ट्रेचेबल है। ये वन साइज है, इसमें कोई साइज नहीं था, एंड इसका जो प्राइस है वो अगेन 499, बट मुझे ये फ्री में मिला है, तो मैंने कुछ इतनी शॉपिंग करी थी तो मुझे ये फ्री में मिला था, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। इसकी फिट बहुत अच्छी है, एंड कपड़ा देखो कितना सॉफ्ट है। तो गाइज यहाँ पर हो चुका है बॉक्स एम्प्टी, एंड ये थी मेरी क्लोविया का हॉल। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो ये हॉल। सारी ही ब्रा एंड सब कुछ मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बता दी है, बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। कोई भी क्वेरी हो, किसी भी प्रोडक्ट को लेके क्वेरी हो, आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट्स में। एंड या आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ डू शेयर एंड सपोर्ट माई चैनल। आई एम वर्किंग हार्ड एंड वर्किंग अ लॉट। तो या मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ एंड या टाटा।